हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया था डॉकर का और रिबूट कर लिया था, सब कुछ कंप्लीट हो गया था। फाइनली यहाँ पे हमें डॉकर व्हाइट कलर का दिख रहा है। कभी ये एनिमेटेड होता दिखेगा ऊपर, नहीं भी दिखेगा, पर ये व्हाइट दिख रहा है यहाँ पे, रेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ दिक्कत लग रही है तो आप इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके और रिबूट भी यहाँ से रिस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, अब हम ये डेस्कटॉप पे हमने सेट किया हुआ था, इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में चेक करने के लिए कि ठीक है इंस्टॉलेशन सही हो गया है कि नहीं, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है हमसे, वर्क कर रहा है कि नहीं, इसको ओपन किया तो यहाँ पे हमें इसने एक कमांड दी है, डॉकर रन हाइफन डी हाइफन पी 8080 डॉकर गेटिंग स्टार्टेड। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं सीएमडी स्टार्ट करूंगा, नया कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ये जो 8080 है ये आपका आउटर पोर्ट और इनर पोर्ट है। इनर पोर्ट मतलब डॉकर इनसाइड इमेज पोर्ट नंबर 80 पे चलेगा, और बाहर से हमें किस पे कनेक्ट करना है तो हमने कहा 8080 से। आप इसको चेंज कर सकते हैं, लाइक मैंने कहा ठीक है मुझे 80 नहीं रखना, 8080 रखना है, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। तो अब मैं इस पोर्ट पे कनेक्ट करूंगा जो ये 8080 है। ठीक, अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। सबसे पहले ये इंटरनल चेक करता है कि आपके पास है कि नहीं है, फिर डाउनलोड करके ले आता है। इसने कहा अनेबल टू फाइंड इमेज डॉकर गेटिंग स्टार्टेड लेटेस्ट लोकली। लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट टैग, हमेशा लेटेस्ट टैग पर ही काम करते हैं हम लोग, या अगर आप पुराने टैग पे करना चाहते हैं तो यहाँ टैग देंगे जो भी है। ये सब तो खैर डॉकर जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लोकली तो लोकली नहीं मिला मेरे सिस्टम के कैशे में, इसको ये इमेज नहीं मिली है। अब ये डॉकर हब से, डॉकर हब पे सारी इमेजेस पड़ी होती हैं, वहां से पुल करना स्टार्ट करेगा। तो इसने ये पुल करना स्टार्ट किया है, दिख रहा होगा 400 बाइट, 400 किलोबाइट, 2.096 मेगाबाइट। ये अब डाउनलोड कर रहा है, कुछ चीजों के लिए वेटिंग में है। तो ये पहले ये सारी चीजें डाउनलोड करेगा, लेके आएगा, कैशे करेगा मेरे सिस्टम पे। डॉकर बड़ा खूबसूरती से काम करता है, कैशे करके रख लेता है इमेजेस, इमेज का वो पार्ट मतलब जहां तक का डेटा, जहां तक की कमांड ये कैश कर सकता है रख लेता है, और सिर्फ उसके आगे के हिस्से पे काम करता है। दोबारा अब अगर ये कमांड आप चलाएंगे तो आपके कैश से ये उठा करके और उस पर सॉरी म्यूट रह गया था, मैं वापस से बोल देता हूँ कि क्या हुआ कि जो ये हमने कमांड चलाई और इसने सारी चीजें डाउनलोड करी थी, तो ये डाउनलोड करके हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया। ठीक, यहाँ हमने पोर्ट 8080 दिया था, मैं गया लोकल होस्ट पोर्ट 8080 खोला मैंने, तो क्या हुआ मैंने पोर्ट 8080 पे हट के ये ट्यूटोरियल इसने खोल के मुझे दे दिया है। वापस जाता हूँ मैं, देखता हूँ, तो जब मैं डॉकर इमेजेस चलाऊंगा तब मुझे दिख रहा है ये इमेज मेरे सिस्टम पर एग्जिस्ट करती है। और मैं क्या देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि क्या कोई कंटेनर भी चल रहा है। तो मैंने डॉकर पीएस चलाया तो यहाँ दिख रहा है हमें कि एक कंटेनर आईडी, ये कंटेनर भी है जो किस पोर्ट पे है, तो ये दिख रहा होगा एरो, ये 00 मतलब लोकल होस्ट, 8080 मतलब इस पोर्ट पे चल रहा है पब्लिक पोर्ट, और इनसाइड 80 पोर्ट पे चल रहा है। ठीक, ये जो नाम अजीब सा दिख रहा होगा ये डॉकर खुद देता है, आप चाहे तो आप चेंज भी कर सकते थे नेम टैग पास करके। ठीक, यानी कि हमारा डॉकर प्रॉपरली काम कर रहा है। थैंक यू।